कैसे हो सब लोग, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। गाइस ये वीडियो ना बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि हमारा होता है फैक्ट वीडियो या फिर फैक्ट चैनल YouTube के किस कैटेगरी के अंदर आता है। ठीक है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो यार फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ऑल पे सेट रखना, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का अपडेट से नोटिफिकेशन सब कुछ आपको मिलता रहे। ठीक है, और यहाँ पूरा वीडियो कंप्लीट वॉच करना, क्योंकि आप लोग क्या करते हो आधा अधूरा वीडियो देखते हो और भाग जाते हो। ठीक है, ऐसा मत करना वरना बहुत ही बड़े गड्ढे में गिर जाओगे। तो चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो गाइस फटाफट से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि फैक्ट चैनल यूट्यूब के किस कैटेगरी के अंदर आता है। देखो मेरे भाई, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि हमारे यूट्यूब पर टोटल 15 कैटेगरीज होते हैं। उसके अंदर एक कैटेगरी है जो बहुत ज्यादा प्यारा कैटेगरी है, जिसका नाम है एजुकेशन कैटेगरी। तो जो एजुकेशन कैटेगरी होगा ना, यही कैटेगरी परफेक्ट होगा हमारे फैक्ट चैनल के लिए। अब यहाँ पर फटाफट से बात करते हैं कि भाई जो शॉर्ट वीडियो होता है, यानी कि शॉर्ट फैक्ट वीडियो होता है, उसके लिए कौन सा कैटेगरी होगा। देखो मेरे भाई, आप चाहे लॉन्ग फैक्ट वीडियो बनाए या फिर शॉर्ट फैक्ट वीडियो बनाए, दोनों के लिए हमारा एजुकेशन कैटेगरी ही होगा। क्योंकि आप लोग फैक्ट वीडियो के अंदर क्या करते हो, आप लोग कुछ ना कुछ ज्ञान, कुछ ना कुछ एजुकेशन अपने व्यूअर्स को देते हो, यानी कि प्रोवाइड करते हो। आपकी वीडियो को देखने के बाद उनको कुछ ना कुछ नॉलेज होता है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। इसके लिए आपका जो वीडियो होगा वो एजुकेशन कैटेगरी के अंदर आएगा, चाहे वो शॉर्ट वीडियो हो चाहे वो लॉन्ग वीडियो हो। सो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारे फैक्ट वीडियो होते हैं उनके लिए हमारा एजुकेशन कैटेगरी एकदम परफेक्ट कैटेगरी होता है। ठीक है, आशा करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। एंड चलो दोस्तों, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।